तो फाइनली हम जलियां वाले बाग के अंदर एंटर कर गए हैं। तो इवन की रात का टाइम है, इतना वेल लिट है कि सब कुछ बहुत अच्छा क्लियर दिखाई दे रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ सारा। वो जो है ये हमारी शहीदी ज्योत है, यहाँ पे सब लोग इसको श्रद्धांजलि देते हैं। आप यहाँ से दूर से दर्शन कर सकते हो और इससे ज़्यादा नहीं मैं दिखा सकती कुछ। दूर दूर से जो एम्बियंस है वही नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत फिटनेस का है और मुझे इतना ही पता, आपको वॉइस में कुछ क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी तो यू हैव टू मैनेज। इवन कि वो जो सामने है, एक चीज़ और दिखा देती है, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो निशान पड़े हैं ये गोलियों के सब निशान हैं, आप देख सकते हो इसको नज़दीकी से। हम एग्ज़िट पे आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहे, इवन कि हमें फ़ोटो तक क्लिक करने नहीं दिया इन्होंने। तो बाहर निकल के बहुत अच्छी मार्केट भी है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, वो कवर अप जितना होगा मैं कर देती हूँ। तो ये जो मार्केट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारी मार्केट गोल्डन टेम्पल और जलियांवाला बाग के साथ अटैच है। अरे वाह, यहाँ पे तो ठंडी लस्सी भी मिलती है। तो ये गरम दूध है, इसको कड़े वाला दूध बोलते हैं। यहाँ पे ठंडी लस्सी सब कुछ अवेलेबल है। अम्मी सर की पंजाबी जूती है, तो यहाँ पे ह्यूज वैरायटी है। तो अब मैं एक बहुत मशहूर पापड़ बड़ियों की शॉप पे आई हूँ। यहाँ पे अमृतसर के पुराने पापड़ और बड़ियाँ मिलते हैं और अमृतसरी अचार भी मिलता है। और अच्छा, ये सारे मसाले जैसे कि आज जन्माष्टमी है तो यहाँ पे जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत रौनक है, दिखाती हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम अमृतसर जलियांवाला बाग का विजिट था और उसकी आउटिंग आउटसाइड जो मार्केट है मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हर एक चीज़ जो जो मुझे दिखाई थी मैंने आपको सब कुछ शो कराया। तो मस्ट विजिट हियर, आप यहाँ पे आओ और इन्जॉय करो। थैंक यू गाइस।